दोस्तों आज ना सब छोड़ दो, बस चुपचाप अगले 7-8 मिनट के लिए कान लगाकर मेरी बात सुनना। आज कुछ बताऊंगा, कुछ ऐसा बताऊंगा कि कसम से अगले 100 साल तक हर लड़की तुझे याद रखेगी। अगर तू ये चीजें करेगा ना तो कसम से कह रहा हूँ जमाने भर तक तुझे याद किया जाएगा, तेरा नाम लिया जाएगा, तुझे याद किया जाएगा। तो चलो जानते हैं कौन से है वो काम जिसके बाद दुनिया की हर लड़की तेरे लिए तरसेगी, तुझे मिलने को कुछ भी करेगी, तेरे लिए किसी भी हद से गुजरेगी। तो चलो जानते हैं। पहला काम, तू बहुत महंगा होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ मर्द ना बड़ी सस्ती सी चीज बन चुके हैं, बिल्कुल ऐसा कि साला कोई भी थोड़े समय के लिए जरा सा ललचा दे, फुसला दे, बहका दे, तुरंत उस तरह बहक जाते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मर्द की तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। और यही वजह है कि आजकल लड़कियां बेहतर में बेहतरीन की तलाश करती है। ऐसा मर्द बनो जिसको पाना इतना आसान ना हो, जो महंगा हो, कीमती हो, जिसको हर कोई ना पा सके। एकदम सख्त मर्द बनना होगा तुम्हें, किसी के बहकावे या फुसलाने में तुम पिघले नहीं चाहिए, तुम्हारा ऑरा एकदम शानदार होना चाहिए, तुम महंगे होने चाहिए। दूसरा काम, एक साल तक ब्रह्मचर्य पालन। एक बहुत बड़े बाबा है जिन्होंने कहा है, इनफैक्ट उन्होंने चुनौती दी है कि अगर एक साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक साल तक के लिए अगर तुम ब्रह्मचर्य पालन कर लेते हो तो कसम से अगर कोई तुमसे हाथ भी मिला लेना तो मान जाऊंगा तुम्हारे से किसी की भी हाथ मिलाने की औकात नहीं रहेगी। हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ एक साल का ब्रह्मचर्य पालन तुम्हारा कुछ इतना खतरनाक हो जाएगा कि कोई साला तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। एक साल यानी अगले 12 महीने पूरी तरह से एक शुद्ध ब्रह्मचारी बन जाओ। उसके बाद तुम देखोगे अगले एक साल बाद तन से लेकर मन तक की ताकत तुम्हारी एकदम बवाल और लाजवाब होगी। तीसरा काम, तेरे चेहरे का नूर चमकना चाहिए। जब तेरा चेहरा चमकेगा ना, खिलेगा एकदम अंदर से, ये तो खैर ब्रह्मचर्य से ही पूरी तरह खूबसूरत हो पाएगा। लेकिन जब तुम अपने चेहरे पर ध्यान देना शुरू करते हो, एक मुस्कुराहट के साथ खिलखिलाते हुए किरदार में नजर आते हो, तो उस वक्त तुम्हारा जो चेहरा होता है वो चमकता है। चमकते हुए चेहरे पर ही हर कोई फिदा होता है। क्या कोई किसी मुरझाए हुए चेहरे को देखना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जब तुम्हारा चेहरा चमकेगा, नूर खिलकर सामने आएगा, तो कसम से लाजवाब लगेगा और हर लड़की तेरे पर फिदा होगी। चौथा काम, तेरे साथ सबको मजा आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी दुखी आत्मा से कम नहीं होते हैं। और सच बताऊं, ऐसे लोगों के मुंह पर भले कोई ना बोले, लेकिन ऐसे लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता। ऐसे लोग बड़े बेगैरत किस्म के लगते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों की गिनती में नहीं आना है, बल्कि कोई बहुत बड़ी सफलता को हासिल करके तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, वरना खाली हाथ धरे के धरे रह जाओगे। छठवां काम, बहस में एकदम खतरनाक करना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी आवाज में एक दहाड़ होता है, वो शेरों वाली बात होती है, जो जब बात करते हैं तो गजब का करते हैं। तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे बातों में वो गजब का दम होना चाहिए। तुम्हें बहस में एकदम खतरनाक होगा, और ऐसा तभी हो पाएगा जब तुम सही चीज के लिए किसी से भी भिड़ोगे। हमेशा अपनी बातों में लॉजिक का इस्तेमाल करना और सामने वाले से ऐसे बात करना कि वो तुम्हारी बातों को ना कर ही ना पाए। तो जब तुम्हारा अंदाज बहस करने का एकदम खतरनाक हो जाता है ना, तब हर कोई तुम्हें सुनना शुरू करता है और फिर आगे से कोई बोलता नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे और ऐसे ही बनने की कोशिश करना। सातवां काम, ताकतवर होना पड़ेगा। देखो यार, ताकतवर तो होना ही होगा, शारीरिक रूप में, मानसिक तौर पर हर तरह से तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। तो ऐसा करो कि बड़े बड़े दंड मारो, कसरत करो, घर का बना खाओ, तगड़ा खाओ, जितना हो सके उतना ताकत बढ़ाओ, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। जब तुम ताकतवर बन जाते हो ना तो बहुत कमाल के नजर आते हो। यही वो समय होता है जब सच में हर किसी को असलियत में तुम्हारी अहमियत का एहसास होता है। उस पल की जरा कल्पना करना जब तुम सड़क पर एक अच्छी खासी शरीर, दमदार भुजाओं के साथ चल रहे होंगे। उस वक्त ना जाने कितना शानदार आलम होगा। जैसा भी होगा, तेरा होगा मेरे दोस्त, क्योंकि सच में हर कोई तुम्हें ही देखता रहेगा, क्योंकि ताकतवर लोगों की ही तलब दुनिया को लगती है और लोग ऐसे आदमी से पंगा नहीं लेते। आठवां काम, सबसे ज्यादा जिद और पागलपन बस तेरे में होना चाहिए। तेरे अंदर जो दिल है ना, उसमें फौलादी जिगर, जिद और पागलपन होना चाहिए। दो चीजों के लिए तू एकदम पागल होना चाहिए। पहला तो तेरे सपने, तू जो कुछ भी अपनी जिंदगी में करना चाहता है,
बनना चाहता है, लाइफ में जिस भी मुकाम पर जाना चाहता है, जो भी तेरे सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, उन सब के लिए तुझे बहुत ज्यादा पागल होना होगा, जिद्दी होना होगा। जिद का असल मतलब क्या होता है जानते हो? जिद का मतलब होता है कि साला मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, और अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, और जो चीज नहीं मिलती उसके लिए जमीन और आसमान एक कर देते हैं। बस इसी तरीके का फौलादी सीने वाला जिद्दी और पागल आशिक हर लड़की अपने लिए चाहती है, और जब ऐसा जिद्दी इंसान मिल जाता है ना तो उसे फिर 100 साल तक नहीं भूलती। तो क्या ऐसा जिद, ऐसी पागलपन तुम तुम्हारे अंदर दाखिल कर सकते हो, खुद में शामिल कर सकते हो, तो स्वागत है, जमाने के अंत तक याद किया जाओगे। ना हुआ काम, जहन में एक आंधी होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल पागलपन और जिद की तरह ही है, लेकिन इसमें तुम्हारे जहान में एक आंधी होगी, एक ऐसी आंधी जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाएगी, एक ऐसी आंधी जो जब चलती है तो पूरा समाज चमकने लगता है। एकदम से एक आंधी पैदा करो, एकदम आंधी वाला मिजाज रखो, किसी के बाप से भी मत डरो, जो करना है अपने हिसाब से करो, खुद करो और बिंदास करो, अपने जहन में उस आंधी को पैदा करो। हाँ, वही आंधी जो तुम्हारे फितूर में दुनिया को नजर आएगी, और जब जब तेरे साथ ऐसा होगा ना, कसम से तू एकदम छा जाएगा। दसवां काम, तेरा नियत सुंदर रखना। इंसान की पहचान उसके किरदार से भी पहले उसके नियत से होती है। हर कोई ऐसी बहुत सुंदर नियत वाले मर्द को पाना चाहता है जिसकी नियत बहुत सुंदर हो, जो किसी को ऐसे ही देकर जज ना करता हो, बल्कि दूसरों के दुख में उनका साथ देता हो, किसी का मजाक ना बनाता हो, कमजोरों पर दम नहीं दिखाता हो। हर लड़की जब उसके पास से गुजरती है तो फक्र महसूस करती है। हर लड़की उसके पास से जब भी निकलेगी तो डरेगी नहीं, बल्कि अच्छा महसूस करेगी। ये सारी चीजें तभी हो पाएगी जब एक इंसान का निर्यात सुंदर रहेगा। तो अब तक समझ भी गए होंगे वीडियो।